दोस्तों आपसे एक बात कहूँ ना, मुझे बांसुरी बजाने का बहुत ज्यादा दिल हो रहा है। बांसुरी का बनने में तो यहाँ पर एक पहला स्थान है, बजाने में भी पहला स्थान यहाँ का होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खान फैमिली एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये रहा मेरा पाहा जो कि इंतहा इफ्तारी कर रहा है और मुझे देख देख के हंस रहा है। फिलहाल दोस्तों यार, मेरा बांसुरी बजाने का यार पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज़्यादा दिल कर रहा है, तो मैं आप ज़रा बांसुरी बजा के दिखाती हूँ। खूबसूरत बेतहा खूबसूरत बांसुरी बजाती हूँ मैं। दिखाऊँ आपको? दिखाऊँ? मांग रहा है कि बांसुरी मैं बजाऊंगा। ले लो, आप ले लो बस। दोस्तों बांसुरी आपने मेरी सुनी ना, कितनी खूबसूरत बांसुरी बजाती हूँ यार। ये मेरे बस की बात तो है नहीं, बट जिसके बस की बात है क्यों ना आपको वहीं ले चलते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा हमारा जो पीलीभीत है मशहूर है बांसुरी नगरी से, और यहाँ की मेन खासियत दोस्तों यही है क्योंकि यहाँ भर भर के बांसुरी बनती हैं। वो भी ऐसा नहीं कि हर जगह, एक ही जगह पे बांसुरी बनती हैं और दूर 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 इलाकों में जाती हैं। वेल दोस्तों, आपको आज हम लेके जाएंगे जहाँ बांसुरी बरसों से पुश्तैनी बनती आ रही है, और देर नहीं करते हुए हम आपको ले चलते हैं बांसुरी नगरी में, जहाँ बांसुरी हर तरीके की बनाई जाती हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियो में बहुत इंजॉय करने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक ज़रूर कर, सॉरी यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, देर नहीं करते हुए चलते हैं जल्दी से फटाफट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जाने वाले हैं जो कि एक पीलीभीत की धरोहर है, ठीक है, बहुत पुरानी एक जो पीलीभीत जिसके लिए मशहूर है, तो उस जगह पर हम जाने वाले हैं जिसमें एक परिवार है मिस्टर इकरार का, जो कि शायद उनकी ये 7वीं या 8वीं पीढ़ी से चला आ रहा है इस काम को, ये देख रहे हैं, और इन्होंने हर तरीके की बांसुरी को बनाया है, और अपने देश में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इनकी बांसुरी यहाँ से बन करके जाती है और उसको लोग संगीतकार लोग प्रयोग में लेते हैं। तो मैं आपसे पहले दिखा देता हूँ कि मिस्टर इकरार के पास कितना कलेक्शन है, बहुत पुराना है, आज़ादी के समय कह सकते हो, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता है, तो आज़ादी के समय से पहले, आज़ादी से भी पहले का एक बहुत इन्होंने एक कलेक्शन कर रखा है बांसुरीज का, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा और आपसे रूबरू कराऊंगा मिस्टर इकरार जी को। वो बताएंगे कि बांसुरी इनफैक्ट है क्या, उसकी क्या विशेषताएं हैं और पीलीभीत में उसका क्या योगदान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पास जो संगीतकार हैं, जैसे कि मुंबई के या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि दिल्ली के या कहीं के भी संगीतकार हैं, इनके पास आते हैं और बांसुरी वगैरह लेके जाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे कि फिल्मों में भी बांसुरी का जो संगीत बजता है तो वो कहीं और की बांसुरी नहीं होती है, वह बांसुरी पीलीभीत की होती है, और जो बांसुरी वहाँ बजती है, जो इनसे लेकर के जाते हैं संगीतकार, तो वो संग्रहालय जो इनके पास मौजूद है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, और कैसे हम इसको और प्रमोट कर सकते हैं, बांसुरी को और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे पीलीभीत को पूरी दुनिया में एक अलग नाम से जाना जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, महविस ट्राई करेंगे अभी बांसुरी कैसे बनाई जाती है, तो ये एक अपनी एक कला है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट बांसुरी वादक है, तो आप सुन सकते हो। तो एक बार सुनिए मैं कैसे बुला रही हूँ। ये फाद तो एक चीज और आप यकीन नहीं करोगे,
भाई ने मिट्टी तक की बांसुरी बनाई है, जो सुन के मैं हैरान हो गई हूँ। अभी आपको दिखाएंगे भी कि मिट्टी की बांसुरी कौन सी है, तो जल्दी से भाई से रूबरू करवाओ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको इनका संग्रहालय। हाँ। जो कि इन्होंने आज़ादी से पहले इनके फादर के फादर एंड उनके भी फादर जो उन्होंने यहाँ जोड़ करके रखा है, पहले मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ। और मुझे लगता है अभी तक आपको उस संग्रहालय से किसी ने रूबरू नहीं कराया होगा, और खान फैमिली इंटरटेनमेंट आपको सबसे पहले उस संग्रहालय से रूबरू कराती है और मिलवाती है, और फिर हम आपको, मैं खुद एक संगीत बजाऊंगा एंड जो इसके ऑनर है उनसे भी हम आपको संगीत सुनवाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इकरार नबी, तो थैंक यू सो मच इकरार जी, आपने मुझे इतना समय दिया और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी जी कि क्या विशेषता है इसकी। देखिए, बांसुरी का काम जो था पीलीभीत में 100 साल से ज़्यादा पुराना काम है जी, और यहाँ पहले बांसुरी के बहुत कम कारीगर थे, बहुत कम कारीगर थे। इसमें शेख नत्था ने इस काम को शुरू करा जी, और वो यहाँ पर छोटी छोटी टुकड़ों में एक जिस सीटी नुमा जो है बांसुरी बनाकर वो बेचा करते थे। अच्छा, तो ये इसमें सुर ढालने का काम हमारे पिताजी अब्दुल नबी ने करा। तो और तरह तरह की बांसुरी जो हारमोनियम के पिच के अनुसार बना के उन बनाने का काम करा जी। तो ये काम हल्के हल्के फैलता गया, कारीगर जुड़ते गए, और एक समय ऐसा आया कि पीलीभीत में गली मोहल्ले और रोड के ऊपर जो है लोग अपना अपना काम करने लग गए। कारीगर को उसका मतलब एक तरीके से काम सीखा उन्होंने और काम काफ़ी बढ़ गया। तो ये पीलीभीत में पूरी उस इंडिया में मशहूर हुआ कि पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बांसुरी का ही काम होता है। तो कह सकते हैं कि मतलब पीलीभीत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं योगदान बिल्कुल बांसुरी का भी बिल्कुल बहुत रहा है। हमने दरअसल यहाँ एक्सपोर्ट भी किया है, बांसुरी को डेनमार्क भेजा, अमेरिका भेजा और अब फ्रांस भेजा। तो यहाँ वहाँ के लोग भी यहाँ पर आए हमारे पास और बांसुरी को सीखा, उनको भी सिखाया, बांसुरी के ऑर्डर्स भी मिले और उसको हमने काफ़ी सप्लाई भी दी। इस तरीके से पूरे यहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार आदमी यहाँ काम करता था किसी पीरियड में। लेकिन आज हुआ इसके साथ एक तरीके से कहना चाहिए ग्रहण लग गया इस काम को। तो इसमें ब्रॉड गेज का एक मसला बन गया, माल का रॉ मटेरियल का मसला बन गया। तो ये पहले जो था जो माल यहीं मिल जाता था, ढाका जो पाकिस्तान अलग हुआ, ढाका अलग हुआ, तो पहले वहाँ से माना था, फिर सिलचर से आने लगा आसाम से। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होने लगा। ब्रॉड गेज पीलीभीत में नहीं होने से ये काम 15-20 साल से प्रभावित हो गया और हुआ। और इस पर एक श्री कृष्ण की बांसुरी पे टैक्स जो है वो टैक्स लगाने का काम गवर्नमेंट ने करा, जिसमें कारीगर इस काम को छोड़कर भाग गए। अशिक्षित लोग थे इससे जुड़े हुए, तो वो नहीं समझ पाए कि ये टैक्स का कैसे भुगतान होगा, कैसे क्या इसकी लिखा पड़ी होगी, जिसकी वजह से ये काम प्रभावित हो गया। आज बहुत कम कारीगर इस पीलीभीत में रह गए हैं काम करने वाले। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इस पर ध्यान दिया, इसको एक जनपद एक उत्पाद से जोड़ा ताकि इसको कुछ मतलब सहयोग मिले, इसका आगे बढ़ावा मिले। तो वो प्रक्रिया 5 साल से बराबर चल रही है और यहाँ पर कारीगरों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है कि शायद आगे जाके कुछ इस पर काम होगा। और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हो कि मनोबल बढ़ा है तो अच्छा है, मनोबल और भी ज़्यादा तरीके से बढ़े, जिससे कि आपको और रोज़गार का जो है तरीके नए नए तरीके मिलते रहें। और हम अपने दर्शकों से, दर्शक इनफैक्ट जो हमारी फैमिली है खान फैमिली इंटरटेनमेंट, आपसे
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आज जो हम वार्ता करने वाले हैं, जैसा कि बांसुरी जो पीलीभीत की एक अमिट पहचान है, जो कभी ना छुपने वाली पहचान है, ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर कुछ कार्य करना चाहते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बांसुरी की एक जो खासियत है उसको पहचानें और उसको समझें। इसमें मैं कहना चाहूँगा, बांसुरी जो है वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि जैसे कि अभी बीच में कोरोना जैसी एक बीमारी आ गई थी जी, तो इसमें हमने देखा कि बांसुरी इसके लिए योगदान साबित हुई, क्योंकि बांसुरी बजाने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, हमारा हार्ट बीट्स बढ़िया रहती है, हमारा बीपी जो है बढ़िया रहता है। तो इस तरीके मेडिकल पे हमने जब इस पे रिसर्च करी और कि हमें क्या कि हमारे जब बांसुरी हम फूंकते हैं तो हमारा जो है हार्ट बीट्स एंड लंग्स और जो कहना चाहिए बीपी, ये सब कंट्रोलिंग करता है एक फ्लूट। अगर इसको वाकई अगर सुबह में आधा से पौन घंटा एक घंटे तक अगर बांसुरी का रिसर्च इस पर रियाज करते रहें तो कभी ना तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होगा और ना ही शुगर का मरीज़ होगा, ना उसे उसके लंग्स उसके जो है मजबूत रहेंगे। ये इसके अंदर एक खूबी है और साथ साथ इसका एक मीठा स्वर है और इतना सस्ता वाद्य यंत्र है, जो तमाम जो संगीत के यंत्र हैं वो बहुत महंगे हैं, लेकिन बांसुरी मीठा भी है और इसका बहुत सस्ता इसको प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके पास कौन कौन हस्ती आई है और आपसे मुलाकात करके गई है और बांसुरी के बारे में, जैसे कलाकार, कौन कौन कलाकार आपके पास आए हैं, आपसे मुलाकात की है, मिले हैं और आपसे बांसुरी ले जा चुके हैं, क्या बॉलीवुड में भी आपकी बांसुरी यूज़ हुई है? बिल्कुल हुई है साहब, बॉलीवुड हमारा जो सबसे बड़ा जो बांसुरी का खपत है वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जितने भी फनकार लोग हैं वो नबी एंड सन्स की बांसुरी को जानते हैं और पहचानते हैं। मेरे फादर हरिप्रसाद चौरसिया के बहुत गहरे मित्र रह चुके, क्योंकि अब नहीं है मेरे पिताजी, लेकिन हमारा जो भी जितने भी फनकार लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे हमारे रोनू मंजूमदार जी हों, ये सब हमारे घर पर आ चुके हैं और हमारे यहाँ बांसुरी को अप्रिशिएट किया है और उसको ही बजाने का काम करते हैं। हम जब जब मुंबई हमें वहाँ जाना होता है उनसे बराबर मिलते रहते हैं और बहुत आर्टिस्ट लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ जैसे कि आपकी एक ये पुश्तैनी कार्य है, पुश्तैनी काम है, तो आपको तो बजाना भी आती होगी बांसुरी। बिल्कुल, क्या क्यों ना आप दो चार सुर लगाइए अच्छे से, ताकि हमारे दर्शक इसको बहुत अच्छे से पसंद करें। बांसुरी दरअसल इसमें तीन टाइप की बांसुरी होती हैं, बेस, मिडिल एंड हाई पिच। तो ये हमारे पास जो है बांसुरी, ये बेस की बांसुरी कहलाती है और हमें ये ई नोट है, नहीं ना।
अच्छी वाली बांसुरी तो सुन चुके होगे, अब थोड़ी मेरी बेसुरी भी सुन ही लीजिए। देखती हूँ बजा के कैसी बजती है। कैसे बजाते हैं स्ट्रेट? इसको मतलब कैसे क्या करती है, धुन कैसे लाते हैं इसके अंदर? धुन लाना है। मेरी बेसुरी वाली बाजरी सुन के बताना दोस्तों कैसा लगा, बट मुझे नहीं आती यार, ऐसी बजा सकती हूँ, सुनी लो। दोस्तों हम लोगों ने, आपने देख लिया जो हमने आपको एक मतलब इतनी मशहूर उससे रूबरू करवाया है, मेरी भी बेसुरी सी बांसुरी सुन के आपको प्लीज़ बताना कैसा लगा। फहद, आपको फहद ने बांसुरी नहीं बजाई, तुमने फहद से नहीं बजवाई बांसुरी? ये देखो भाई वो बांसुरी बजा रहे हैं और फहद कैसे धुन सुन रहे हैं। अरे छोड़ो फहद। फ्रेंड्स अब भाई से तो मिल चुके हो और मैं अब उनकी फैमिली से भी आपको मिलवाती हूँ। ये है हमारी भाभी, हाय बोल लो। तो ये भाभी हैं और भाभी थोड़ा कुछ बताओ यार, ज़रा कुछ बताओ बांसुरी के बारे में। क्या बताएं, बता दें, फेमस है शहर में, ऑल ओवर इंडिया साहब इसका काम करता है, हमारा। और जो बैक साइड खड़ी है वो इनकी बेटी है। आइए वो शर्मा के जा चुकी है, ये छोटी वाली बेटी है। हेलो बोलो और बताओ, अच्छा नेम बताओ अपना। माय नेम इज मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। अब भाभी आपका नाम क्या? जमाल आरा। अच्छा और तुम्हारा नाम क्या? अरश फातिमा। फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। हम लोग आए यहाँ पर, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। सब लोग बहुत प्यार से ट्रीट किया, फहद को सबने बहुत खिलाया और ये लोग तो वीडियो अंदर शूट कर रहे थे, मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फहद कर रहा था, इस रीज़न से मैं बाहर चली गई थी। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आया। अब फिलहाल हम लोग वीडियो बना चुके हैं यहाँ से, थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे और आपने हमारी वीडियो में बहुत इन्जॉय किया होगा। दोस्तों अभी हम वीडियो को फिनिश नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी, वो बाहर जाके घर जाके करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा घर दिखाते हैं आप। दोस्तों ये भाई की भाभी है और ये भाई की सिस्टर है। यहाँ फहद के लिए छोटी सी बांसुरी ढूंढी जा रही है क्योंकि फहद को भी बांसुरी बजाना है। अब इनके साइज की बांसुरी कहाँ से आएगी? बताना चाहिए था पहले ताकि इनके साइज की बांसुरी बन जाए। इनका मूड देख सकते हो खराब हो गया क्योंकि फहद ने बांसुरी नहीं बजाई है। बांसुरी नहीं मिली तो निन्नो निन्नो आने लगी। हम लोग ऊपर आ गए हैं बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार आज। फहद की बांसुरी आ चुकी है, फहद बजाओ अपनी बांसुरी। ये साफ होनी पड़ी है। फहद के साइज की बांसुरी मिल ही नहीं पाई। चलो कोई नहीं, बट मिल गई इतनी काफ़ी है ना। बजाओ। दोस्तों हम लोगों ने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया है और आप सब चीज़ से रूबरू हो चुके हैं, आप देख चुके हैं सब कुछ कितना पुराना है और कितना ज़्यादा, जिससे हमारी पीलीभीत इतनी ज़्यादा मशहूर है। फिलहाल दोस्तों आपने हमारी वीडियो में बहुत इन्जॉय किया होगा बिल्कुल मेरी तरह। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है ना उसको दबाना मत भूलना। भाभी बोल दो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे सब लोग। बिल्कुल। बाय, अल्लाह हाफिज़।